हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे एंड जय हिंद। सो हम स्टार्ट करते हैं न्यू क्वेश्चन अपना। इफ अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट फर्स्ट क्वेश्चन एक्स प्लस अल्फा होल पावर एन माइनस एक्स प्लस बीटा होल पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन एन फाई अपॉन साइन पावर एन फाई वेयर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कॉट फाई। इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमें अल्फा बीटा ये इसके रूट से इस इक्वेशन के जो हमें गिवन इक्वेशन है हमें प्रूव करना है ये कंडीशन। हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले हम सबसे पहले फाइंड करेंगे अल्फा बीटा जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से पिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा बीटा की वैल्यूज में पुट करेंगे और देखेंगे कि ये बनता है कि नहीं बनता। ओके, हम प्रूव करेंगे बनेगा। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज टी स्क्वेयर माइनस टू टी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो से वन। नाउ फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो टू प्लस माइनस फोर माइनस एट अपॉन टू एंड दिस इज इक्वल टू टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस फोर अपॉन टू एंड दिस इज इक्वल टू टू प्लस माइनस टू अंडर रूट माइनस वन अपॉन टू एंड दिस इज इक्वल टू वन प्लस माइनस आयोटा। ओके, तो ये हमारे आगे रूट्स वन प्लस माइनस आयोटा। ये हमारा कैसे बना वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ओके, ये फॉर्मूले से मैंने ये सारा सॉल्व किया। हमारे जो रूट्स आ गए वन प्लस माइनस आयोटा। सो स्टूडेंट लेट अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा एंड बीटा इज इक्वल टू वन माइनस आयोटा। ओके, अब हमने क्या करना है कि हमने जो हमने प्रूव करना है उसमें से हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक करना है। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक करना है। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, एक्स प्लस अल्फा की पावर एन माइनस एक्स प्लस बीटा की पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा। इसको हमने यहां पर प्रूव करना है। हमें क्या बनाना है, साइन एन फाई अपॉन साइन की पावर एन फाई और वेयर यहां पर एक्स प्लस वन को हमने कोट फाई पुट करना है। ओके, सो यस स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, एक्स प्लस अल्फा। सो नाउ एक्स इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। ओके, एक्स प्लस अल्फा, एक्स क्या है हमारा, एक्स तो एक्स ही है, अल्फा की वैल्यू क्या है, वन प्लस आयोटा, वन प्लस आयोटा। ओके, यहां तक हमारा हो गया। अब ये एक्स प्लस वन हमारा क्या है, ये जो एक्स प्लस वन है ये हमें गिवन है कोड फाइव, कोड फाइव प्लस आयोटा। कोड फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, कोस फाइव अपॉन साइन फाइव प्लस आयोटा। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई अपॉन साइन फाई। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स प्लस अल्फा की। हमने क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस अल्फा होल पावर एन। नाउ हम यही फाइंड करेंगे एक्स प्लस अल्फा होल पावर एन। एक्स प्लस अल्फा हमारे पास क्या आया था, कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई अपॉन साइन फाई। हम लिखते हैं कोस फाई प्लस आयोटा साइन फाई अपॉन साइन फाई पावर एन। ओके, इसको वैसे लिख सकते हैं कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई की पावर एन अपॉन साइन पावर एन फाई बाय डी मॉर्गन थ्योरम। इसको वैसे लिख सकते हैं कॉस एन फाई प्लस आयोटा
साइन एन फाइव अपॉन साइन पावर एन फाइव। तो ये हमारे पास आ गया x प्लस अल्फा होल पावर n की वैल्यू। हमने अब फाइंड करना है x प्लस बीटा होल पावर n की वैल्यू। सो अगेन x प्लस बीटा हमारे पास क्या है, x प्लस बीटा क्या है, x प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस अल्फा, आई एम सॉरी 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा है इसकी वैल्यू। हम लिखते हैं 1 माइनस आयोटा। x प्लस 1 क्या है, x प्लस 1 हमें गिवन ए कंडीशन कोड 5, हमने पुट करना x प्लस 1 को कोड 5, कोड 5 माइनस आयोटा, और ये कोड 5 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 5 अपॉन साइन 5 माइनस आयोटा इज इक्वल टू cos 5 माइनस आयोटा साइन 5 अपॉन साइन 5। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई x प्लस बीटा की। हमने क्या फाइंड करना है, x प्लस बीटा की होल पावर n। सो नाउ x प्लस बीटा की होल पावर n, नाउ x प्लस बीटा की होल पावर n क्या होगी, cos 5 माइनस आयोटा साइन 5 अपॉन साइन 5 पावर n। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, cos n phi माइनस आयोटा साइन n phi अपॉन साइन पावर n phi। ओके, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x प्लस अल्फा होल पावर n की वैल्यू, ओके ये वाली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई x प्लस बीटा होल पावर n की वैल्यू। हमने क्या करना है, क्या फाइंड करना है, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, क्या फाइंड करना है, अल्फा माइनस बीटा। तो हमारा अल्फा क्या था, 1 प्लस आयोटा माइनस 1, और बीटा क्या था, 1 माइनस आयोटा। क्या बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, या माइनस है माइनस जाएगा अंदर, तो बन जाएगा माइनस 1 एंड प्लस आयोटा। 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, आयोटा आयोटा 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, कि ये जो तीन वैल्यूज आई हैं यहाँ पर हमने इसको पुट करना है, ठीक है, इस इक्वेशन में। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन टू वी गेट, ओके, तो ये क्या है, x प्लस अल्फा n, इसको लिख लेते हैं x प्लस अल्फा की पावर n माइनस x प्लस बीटा की पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू x प्लस अल्फा की पावर n की वैल्यू क्या है, cos n5 प्लस आयोटा साइन n5 अपॉन साइन की पावर n5। ना लिखते हैं cos n5 प्लस आयोटा साइन n5 और अपॉन साइन पावर n5, ओके, और x प्लस बीटा की पावर होल पावर की n की वैल्यू क्या है, माइनस, इसको ब्रैकेट में हम कर लेते हैं क्लोज, cos n5 माइनस आयोटा साइन n5 अपॉन साइन पावर n5 अपॉन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी 2 आयोटा। हमें लिखते हैं 2 आयोटा, इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, हमारा क्या बन जाएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं ऊपर न्यूमिनेटर को, ये बन जाएगा cos n5 प्लस आयोटा साइन n5 माइनस cos n5 प्लस आयोटा साइन n5 अपॉन साइन n5 इंटू 2 आयोटा। अब हमारा यहाँ पर cos n5 माइनस cos n5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया हमारे पास, आयोटा साइन n5 प्लस आयोटा साइन n5, तो 2 आयोटा साइन n5 अपॉन साइन पावर n5 इंटू 2 आयोटा। 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, क्या बच गया हमारा बाकी, साइन n5 अपॉन
साइन पावर एन फाई, और यही हमने प्रूव करना था यहां पर क्वेश्चन में. साइन एन फाई अपॉन साइन पावर एन फाई, और ये हमने यहां पर प्रूव कर लिया. साइन एन फाई अपॉन साइन पावर एन फाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.